हेलो एवरीवन, आज हम साड़ी से मैक्सी ड्रेस बनाने वाले हैं जो कि हॉल्टर नेक के साथ है। इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले लाइनिंग में हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके लिए हम इसे 4 फोल्ड में कर देंगे। उसके बाद हम अपर पार्ट की लेंथ लेंगे, जितनी आपकी फाइनल लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा पे हम निशान लगा लेंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे, हम 7 इंच पर लगा रहे हैं, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, हमने 7 इंच लिया है और इन्हें आपस में मिला लेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 4 से डिवाइड करने के बाद 8.5 आता है, तो हम 8.5 पे निशान लगा लेंगे। ये हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब हम नेक का निशान लगाएंगे, उसके लिए हम 4.5 पे मार्क कर देंगे। अब हम इसे हॉल्टर नेक में कट करेंगे, तो इसके लिए हमने जहाँ पे नेक की मार्किंग की है और आर्म होल की गोलाई जहाँ पे ली है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको खोल लेंगे और जो ये ऊपर से जॉइंट है इसको भी कट कर देंगे। और अब किसी भी एक पीस को हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। हमारे फ्रंट और बैक दोनों पीसेस की कटिंग हो चुकी है, हम इनको रख के ही मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को बराबर से रखेंगे और इन्हें आर्म होल की साइड से स्टिच कर लेंगे। हम दोनों पीसेस में ऐसे ही कर लेंगे। अब ये इस पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसे सीधी साइड में टर्न करना है। अब हम इसको सीधी साइड में टर्न करेंगे और इसे बिल्कुल बराबर से प्रेस कर लेंगे। अब हम इसके नेक को स्टिच करेंगे, उसके लिए हम इसको एक फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखिए कि आपको इसको इतना फोल्ड करना है कि इसके अंदर से आप डोरी पास कर सकें। दोनों पार्ट को हम इसी तरीके से कर देंगे और इन दोनों पार्टों को हम साइड से स्टिच कर लेंगे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। ये हमने इसमें प्लेट्स डाल ली है। अभी बचे हुए फैब्रिक से हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हम इसकी लेंथ ले लेंगे, 43 इंच ले रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप चाहो तो आप इन दोनों पीस को अलग कर सकते हो, लेकिन हम ये जिस साइड से खुला है उसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे, जिससे पता चले कि फ्रंट और बैक का सेंटर कहाँ पे है। ये अब हम अपनी लाइनिंग के कपड़े में अपनी कमर के नाप के अकॉर्डिंग फ्रिल्स डाल लेंगे। अब हम लाइनिंग के कपड़े के साथ मेन फैब्रिक में प्लेट्स डाल लेंगे। ये प्लेट्स हमें इक्वली अरेंज करनी है, जिससे कि ये अच्छे से घेर आ जाए। ये देखिए हमारा कितना सुंदर घेर आया है। अब हम इसमें ऊपर के पार्ट को अटैच कर लेंगे। इसमें हम बेल्ट लगाएंगे, उससे इसमें और भी अच्छा लुक आएगा। और ये बेल्ट हमने दूसरे फैब्रिक से बनाई है, क्योंकि ये कलर कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इसमें अब हम डोरी डाल देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सुंदर सी मैक्सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है।
आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये पहन के बहुत ही अच्छा लुक देती है।